नमस्कार मित्रों, जय माता दी। 2022 के अगस्त माह के लव राशि फल में आप सभी का स्वागत है। यह राशि चंद्र कुंडली या आपकी लग्न कुंडली पर आधारित है। जिन लोगों को अपने लग्न कुंडली या चंद्र राशि का पता ना हो, वह अपने नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर भी अपनी राशि निश्चित कर सकते हैं। राशि प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले उन लोगों को बधाई दे दें जिनका अगस्त के माह में जन्मदिन है। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर बरसे। जिनका भी जन्मदिन है अगस्त के माह में, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात उनकी करते हैं अगस्त के माह में जिनकी है शादी की सालगिरह। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप दोनों की जोड़ी पर बरसे और आप दोनों हमेशा जन्म जन्मांतर तक साथ रहें। शादी की सालगिरह मुबारक हो। आइए प्रारंभ करते हैं अपनी प्रथम राशि मेष राशि। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से अगस्त का महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है। पूरे माह आपका लव पार्टनर आप पर प्यार लुटाएगा और आपके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। अगस्त महीने के उत्तरार्ध में होने वाली छोटी मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज किया जाए तो सेहत की दृष्टि से अगस्त का महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपके लिए एक उपाय है, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड का जप करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, विशेष सुख प्राप्त होगा। अगली राशि वृषभ राशि। यदि आपके लव पार्टनर के साथ अनबन चल रही हो तो अगस्त के महीने की शुरुआत में ही सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के बल मिटाएंगे। इस माह परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करके उस पर विवाह की मुहर भी लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अगस्त महीने के मध्य में हमसफर के साथ आप लंबी या छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। सेहत की दृष्टि से देखें तो आपके लिए अगस्त का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला होगा। इस दौरान अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, मौसमी बीमारी से बचें वरना दिन खराब हो सकता है। आपके लिए उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की लाल रंग की पुष्प चढ़ाकर पूजा और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सुखमय महीना बीतेगा। मिथुन राशि। इस माह के मध्य में आपको अपने प्रेम संबंध पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। इस दौरान आपके लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। ऐसे में आप अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा ना करें। यदि आप विवाहित हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने रोज के शेड्यूल में थोड़ा सा समय उनके लिए निकालें। माह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ लंबी छुट्टी पर घूमने या अचानक से कोई प्लान बन सकता है। मिथुन राशि के जातकों को इस महीने अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। इलाज पे थोड़े से पैसे खर्च हो सकते हैं। बाद में उसके लिए आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं यदि सही समय पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपके लिए उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार के दिन किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं एवं वस्त्रों का दान करें, विशेष सुख प्राप्त होगा। कर्क राशि। प्रेम संबंध की दृष्टि से अगस्त का महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेंगे। हालांकि उनकी सेहत को लेकर मन में थोड़ा सा चिंता आपकी बढ़ेगी। सेहत की दृष्टि से देखें तो आपको कामकाज की अधिकता के कारण मानसिक तनाव व शारीरिक थकान बनी रहेगी। आपके लिए उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि। यदि प्रेम संबंध में आपकी लव पार्टनर के साथ तनातनी चल रही हो तो इस माह किसी मित्र की मदद से वह दूर हो जाएगी। आपकी प्रेम की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर लौट आएगी। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह बना रहेगा और आपको सबलता देने का काम करेगा। आपके लिए एक उपाय, प्रतिदिन सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ दें और गायत्री मंत्र का एक माला जप करें, विशेष लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह माह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। माह के मध्य में आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। लव पार्टनर के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताने को मौका मिलेगा। आपके लिए एक उपाय, प्रतिदिन गणपति जी की पूजा दुर्गा चढ़ाकर करें। साथ ही साथ गणपति अर्थवीर्ष का
पाठ भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, विशेष लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह माह आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। वहीं पहले से प्रेम संबंध में चल रहे लोगों के बीच आपसी विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सुखमय बना रहेगा। छोटी मोटी बातों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से आपको अगस्त के महीने में उत्तरार्ध में अपना खूब ख्याल रखने की जरूरत है। आपके लिए एक उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन पानी वाले नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर बहते हुए जल में बहाएं, विशेष लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि। प्रेम संबंध की दृष्टि से अगस्त का महीना शुभ साबित होगा। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत की दृष्टि से अगस्त का महीना सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने खान पान और दिनचर्या पर खूब ख्याल रखें। आपके लिए एक उपाय, प्रतिदिन शक्ति की साधना करें और शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह माह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। यदि आप किसी के सामने पर पोज करने की सोच रहे हो तो आपकी बात बन जाएगी। अविवाहित लोगों के विवाह की बात चल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी पर्यटन या धार्मिक स्थल पर यात्रा का भी योग बन रहा है। आपके लिए एक उपाय, प्रतिदिन भगवान विष्णु की पीले पुष्प और पीले फल चढ़ाकर पूजा करें एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि। इस माह की शुरुआत में लव पार्टनर के साथ उपजी गलत फहमियों का फायदा कोई तीसरा व्यक्ति ना उठा पाए, इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा ना करें। खट्टी मीठी तकरार के साथ वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अगस्त के महीने में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। इस माह न सिर्फ मौसमी बीमारी बल्कि किसी पुरानी बीमारी के कारण आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपके लिए एक उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और रुद्राष्टक का जाप करें। शनिवार के दिन शनि संबंधी चीजों का दान करें, विशेष लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह माह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके साथ खड़ा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी आपको सहयोग देंगे और उनके साथ अच्छे पल बिताने के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके लिए एक उपाय, सभी संकटों से बचने वाले और मनचाहा वरदान देने वाले प्रतिदिन हनुमत उपासना करें और उनकी पूजा करें। हनुमान चालीसा का भी 7 बार पाठ करें, विशेष लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि। प्रेम प्रसंग में मनचाही सफलता मिलेगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत की दृष्टि से आपको अगस्त के महीने के उत्तरार्ध में थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आपके लिए एक उपाय, प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा और नारायण कवच का पाठ करें। गुरुवार के दिन मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मित्रों संपूर्ण अगस्त माह का लव राशिफल। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे, आप सबको खुश रखे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।